चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश की। कोटा के हाल, कोटा में जमकर बरसी बदरा। शहर के कई निचले इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ड्रेनेज सिस्टम के हाल भी बेहाल है, क्योंकि पोल इस तेज बारिश के बाद उस ड्रेनेज सिस्टम के खुल गए। पूरा अस्पताल परिसर पानी से लबालब नजर आ रहा है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि बारिश के बाद हाल बेहाल हो गए। जमकर बारिश के बाद जब तस्वीरें सामने आई तो सभी कुछ जल में ही नजर आया, यानी कि सड़कें भी लबालब होकर तालाब सी नजर आई, दरिया सी नजर आई। लेकिन अस्पतालों की अगर बात करें तो अस्पतालों के भी प्रदेश के कई ऐसी तस्वीरों के जरिए हाल सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर पता लग रहा है कि अगर परेशानी की स्थिति होती है तो फिर सोचने वाली बात ही हो जाएगी और अलग से फोर्सेज यहां पर भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि अस्पतालों में भी ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। हालांकि मॉनसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं और साफ सफाई को लेकर, नदी नालों की सफाई को लेकर भी अभियान के तौर पर चीजें नजर आती हैं, लेकिन सभी कुछ शून्य नजर आता है जब जब बारिश होती है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल तक के लिए भी, इनफैक्ट 15 अगस्त तक के लिए भी बारिश का अलर्ट है, और ऐसे में बारिश की तेज गति से होने की संभावनाएं जब बढ़ी है तो फिर लोगों के जहन में डर भी बढ़ा है। कोटा से खबर आपको बता रहे हैं, कोटा में भी बारिश के यही हालात जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में है, तेज बारिश है। अपना और अपनों का ख्याल आप रख सकते हैं, घर के अंदर रहिए और भीतर रहकर भी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, क्योंकि खासतौर पर जो निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो कॉलोनियां नीचे बसी हुई है, खासतौर पर ढलान की ओर जो कॉलोनियां हैं, जिस तरह से वहां पर पानी बरसने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली, लेकिन कोटा से भी तेज बारिश की अपडेट है और कई तरह की परेशानियां कोटा वासियों को भी हो रही है। पूरी जानकारी के साथ कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण जुड़ गए हैं। भंवर, प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है और कहीं ना कहीं बारिश अब सता रही है लोगों को, तेज गति से होने वाली, लेकिन कोटा के हाल भी यही। कोटा में भी बारिश तेज और अव्यवस्थाएं खुले तौर पर नजर आ रही है। भंवर, बिल्कुल, जैसी अव्यवस्था ही नजर आ रही है और खासकर इस बारिश ने जो शहर का बेतरतीब ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पूरी की पूरी पोल खोलकर रख दी है। प्री मॉनसून जिस तरह की तैयारियां करनी चाहिए थी, नालों की सफाई का जो काम होना चाहिए था, पानी के बीच पर जो भी अवरोधक आ गए हैं, जो एन्फोर्समेंट हो गए हैं, उनको हटाने का जो काम करना था उसमें प्रशासन पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और इसको साबित किया है इस बारिश ने। बहरहाल निचले इलाके हैं जो अनंतपुरा से लेकर के भीतरी और पुराने शहर तक की कई कॉलोनियां हैं, वहां से तो जलभराव हमेशा होता ही है, पहले भी हुआ था, समाचार मिल ही रहे हैं, लेकिन इस बार तो जो संभाग का सबसे बड़ा जनरल हॉस्पिटल है एमबीएस अस्पताल कोटा, उसके पूरे परिसर में भी पानी भर गया है। कोई निकास नहीं हो पाने की वजह से परिसर में जो पानी बरसा था वो परिसर के अंदर ही जमा हो गया है और इसके चलते मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन सब खबरों के बीच में बड़ी चिंता की बात यह है जयती, कि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से कोटा समेत पूरे हाड़ौती अंचल में आगामी दिनों में तेज बारिश का अनुमान है, भारी वर्षा हो सकती है, और ऐसे में आज जो हालात सामने आए हैं, जिस तरह की परेशानियों से जलभराव से लोग दोचार हुए हैं, उसका सिलसिला आगे जाकर और भी तेज हो सकता है, चिंता की बात है। ठीक कह रहे हैं भंवर आप, और सभी को सुरक्षा खुद की भी रखने की जरूरत है और प्रशासन की भी मदद आप ले सकते हैं। शुक्रिया भंवर इस पूरी जानकारी के लिए।